और ब्रेक के बाद खबर उत्तराखंड में एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सितारगंज की, जहां नगर पालिका में जिले में तैनात अपर जिला अधिकारी के विरोध में आठवें दिन भी धरना जारी रहा, जिसके चलते नैनीताल पालिका अध्यक्ष संजीव नेगी आज धरना स्थल पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने धरने का समर्थन किया। आपको बता दें कि इस दौरान संजीव नेगी ने कहा कि अगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे की मांग पूरी नहीं की गई या उन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि अपर जिलाधिकारी के विरोध में आज धरने का आठवां दिन है। पालिका अध्यक्ष दुबे ने सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया कि सरकार ने जनहित में जो योजनाएं लागू की हैं, जिला स्तर के अधिकारी राजनीतिक दबाव में आकर उसे जनता तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मांग जायज भी है, क्योंकि अगर ठेकेदार को भुगतान नहीं होगा विकास कार्य में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचेगी, तो हम पूर्ण समर्थन जो है अध्यक्ष जी बैठे उनको पूरे समर्थन करते हैं। अध्यक्ष जी को उन्होंने कोई फंसाया या उनको उसमें बाधा डालने की कोशिश करी, क्या उधम सिंह नगर ही नहीं, हम पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जितना है वो जितने भी हम चेयरमैन सब मिलकर फिर एक उग्र आंदोलन हम अपने स्तर से अपने अपनी जगह में करेंगे कि जो मांग है वो मांग जायज़ भी है, क्योंकि अगर ठेकेदारों का भुगतान नहीं होगा विकास कार्य में कहीं ना कहीं। और बसूरी मॉल रोड पर एक संस्था और स्थानीय प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के साथ ही सैनिटाइजिंग करने को कहा गया। आपको बता दें कि इस दौरान ये नारा भी दिया गया कि जागरूकता ही सुरक्षा है। वहीं लोगों से अपील करते हुए ये भी कहा गया कि वे जागरूक रहकर कोरोना से बचाव कर सकते हैं। और अगली खबर देहरादून से है, जहां कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। आपको बता दें कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से कई राज्यों में कोरोना का दूसरा फेज चल रहा है, इसको देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि इस बार का कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान को रोका जाए। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व को लेकर डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने सभी श्रद्धालुओं से यह अपील की है कि प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना काल में अपने घरों में ही मां गंगा का स्मरण कर स्नान करें। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 30 नवंबर को पड़ रहा है। जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में उत्तर भारत से लगभग 10-15 लाख तीर्थयात्री स्नान करने आते हैं, और ये भी आप सब जानते हैं कि हाल के दिनों में कोरोना के संक्रमण में फिर से वृद्धि हुई है। दिल्ली में तो तीसरी वेव चल पड़ी है, कई अन्य राज्यों में दूसरी वेव चल रही है, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा स्नान को हरिद्वार में होने से रोका जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को है, गंगा स्नान पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जी प्रगति, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इस बार अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे जो पर्व हैं या त्योहार हों, उस पर साफ तौर पर कोरोना का जो प्रकोप है, असर है, वो पूरी तरीके से दिख रहा है। और इस बार जो 30 नवंबर को जो कार्तिक पूर्णिमा का जो गंगा स्नान का जो पर्व है, इस पर भी साफ तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए जो हरिद्वार प्रशासन ने इसने इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा का जो गंगा स्नान है, इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। क्योंकि जिस तरीके से प्रगति, तमाम कई राज्यों में जिस तरीके से जो है कोरोना का जो दूसरा फेज चल रहा है, कहीं कहीं पर थर्ड फेज भी शुरू हो चुका है, तो उत्तराखंड सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सचेत है कि कहीं पर भी जो है प्रदेश में ऐसी स्थिति ना हो कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। तो इसी को देखते हुए आज जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार है, उन्होंने भी जो प्रदेश के तमाम लोगों और जो बाहर से जो लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, उनसे साफ तौर पर ये अपील की है कि कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है उसको आप अपने माँ गंगा का, अपने घर में जो है माँ गंगा का स्मरण करके जो है स्नान करें घर पर ही। और 30 नवंबर को जो कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान होता है हरिद्वार में, वहाँ हरिद्वार में ना आए, घर पर ही माँ गंगा का स्मरण। जी बिल्कुल, तो डीजी की तरफ से पूर्णिमा के दिन घरों में ही स्नान करने की अपील की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।
और अगली खबर काशीपुर से है, जहां आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि महानगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह प्रदर्शन महाराणा प्रताप चौक पर किया गया। महानगर अध्यक्ष सहगल संदीप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फ्लाईओवर निर्माण में देरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए काशीपुर विधायक का पुतला भी फूंका और साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में विधायक जागो नींद से जागो के नारे भी लगाए। जनता, व्यापारी, हमारे माताएं, बच्चे पूरी तरीके से काशीपुर में त्राही त्राही मची हुई है और विधायक चीमा जी को कोई होश नहीं है। अब भी केवल दिखाने के लिए कभी पटेला मार दिया जाता है, कभी एक ट्राली मिट्टी पड़ जाती है। लोग परेशान होकर पिछले कई बार, मेरे ख्याल से 20 बार हम लोग इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए प्रदर्शनों पर बैठ चुके हैं। ये जो पुल का निर्माण धीमी गति से चल रहा है, गत 3 से चल रहा है और अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है और हम इसी परिप्रेक्ष्य में बैठे हैं कि सीधे पुल का निर्माण करवाएं। काशीपुर की जनता इससे त्राहिमाम हो चुकी है और इस पूरा शहर धूल फांक रहा है और अभी तक इन्होंने इसके पुल के निर्माण में शीघ्रता नहीं दिखाई है। कृषि कानून के विरोध में कई राजनीतिक पार्टियां किसानों के समर्थन में खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध जताते हुए नेशनल हाईवे 58 को जाम कर दिया और धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिल्ली कूच कर रहे किसानों के समर्थन में उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने जाम लगा रखा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी भारतीय किसान यूनियन ने आज नेशनल हाईवे 58 पर जाम लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही किसानों ने अनिश्चित आंदोलन करने की बात भी कही है। वहीं भाकियों के जिला अध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने कहा कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है पूरे देश में, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को ज्ञापन सौंपने के बाद भाकियों ने इस धरने को खत्म करने का फैसला लिया। धरने पर बैठे मामला यह है कि जो कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश बिल पास किए, लगातार किसान उसी दिन से उसका विरोध कर रहे और पिछली बार 26 तारीख को भी हमने यहाँ नेशनल हाईवे जाम करा था और इस अध्यादेश के खिलाफ हमारा हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार उन्हें दिल्ली नहीं जाने दे रही और उन पर लाठियाँ बरसा रही, पानी की बौछार चला रही। तो ये जो अत्याचार सरकार किसानों पर कर रही, ये किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हाईकमान की तरफ से ये आदेश हुआ कि आज पूरी यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम करा गया। देखिए, किसानों द्वारा, जो कृषक बंधु हैं, उन सबके द्वारा अपनी कुछ मांगे, अपनी कुछ समस्याएं रखी गई हैं और कल भी जो उनका विरोध प्रदर्शन था उसके संबंध में भी आज उनका कुछ रोष है, तो वही सारी बातें उन्होंने ज्ञापन में लिखी हैं और ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को संबोधित है, तो उचित माध्यम के द्वारा उनको ये फॉरवर्ड किया जाएगा। उसकी रिसीविंग इन्होंने मांगी है, वो इन्हें दे दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सुरेश भट्ट को बीजेपी उत्तराखंड का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया। इसको लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि बंशीधर भगत ने कहा कि सुरेश भट्ट के प्रदेश महामंत्री बनने से उत्तराखंड संगठन को और गति मिलेगी। रुड़की से मोहम्मदपुर से हरिद्वार तक गंग नहर किनारे हो रहे सड़क निर्माण कार्य और नहर की बाउंड्री सहित कई जगहों पर नाली का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसके चलते करोड़ों रुपए की लागत से हरिद्वार में निर्माण कार्य जारी है। लेकिन रुड़की क्षेत्र में बन रही गंग नहर पटरी के सड़क निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेवट से कलियर जाने वाली पटरी के किनारे बन रहे नालों और नहर की बाउंड्री में घटिया दर्जे की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले पर तहसीलदार नंदन कुमार सिंह का कहना है कि जल्द ही मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और मामले की जाँच की जाएगी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए खबर उत्तराखंड। नमस्कार।